हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। द आराध्यम ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आराध्य क्या कर रहा है? टांग दिखा रहा है। तो गाइस, बीच बीच में गैपिंग हो जाती है, उसके लिए सॉरी। तो गैपिंग होती क्यों है वो मैं आपको रीज़न दे ही चुकी हूँ, और मैं डाल इसीलिए नहीं पाती कुछ भी क्योंकि ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाती। आजकल आराध्य भी रेगुलर स्कूल जा रहे हैं तो फ़ोन भी मैं इन्हें नहीं दे पाती हूँ जो मैं कुछ बता पाऊँ। तो पर फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कि जैसे जैसे दुख आते हैं लाइफ में वैसे वैसे सुख भी आते हैं। तो धीरे 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 करके सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, लाइन पर आ रही हैं, और मेरा अटूट विश्वास अपने भगवान पर है, तो ऑब्वियसली वो मेरा ध्यान रखेंगे। तो बाकी धीरे धीरे आराम मिल रहा है मेरी ननद को भी, उनका भी मौका लगा मुझे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग कहाँ बैठा है? ये मेरा बुद्धू सा बेटा, बुद्धू सा रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले। अच्छा सॉरी, आप वो सुना रहे थे मुझे एक प्यार का नगमा है, बताना जरा। एक जीनी प्यार का जमाना है, एक मौजों की रवानी है, राय देखिए जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है। और गाइस, इस सॉन्ग से जुड़ी हुई एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। जब आराध्य छोटा था, छोटा मतलब 2 या 3 महीने का ही होगा, पता नहीं क्या था गाइस, ये सॉन्ग मैं जब भी गाती थी या गुनगुनाती थी उस टाइम आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये गाना बहुत वायरल हुआ था। नाम अभी याद नहीं आ रहा है उनका, जिन्होंने तेरी मेरी सॉन्ग भी गाया है, उनका हिमेश रेशमिया जी का कंपोज किया हुआ सॉन्ग गाया है तेरी मेरी। तो मुझे नाम बिल्कुल भी अभी याद नहीं आ रहा गाइस, लेकिन तो गाइस मुझे उनका नाम याद आ गया जो मैं बता रही थी, बहुत सॉन्ग जिनका वायरल हुआ था, एक प्यार का नगमा है जिन्होंने गाया था, जो कि भिखारी लेडी, उनका नाम था रानू मंडल। तो उन्होंने बहुत अच्छा गाया था इस सॉन्ग को, तो ये काफ़ी वायरल हुआ था। इन वो बंदी बहुत फेमस हुई थी लता जी का ये सॉन्ग गाकर, एक प्यार का नगमा है। तो उस टाइम मैं ये सॉन्ग जब भी गुनगुनाती थी तो आराध्य लिटरली सोते से उठकर रोना शुरू कर देता था। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं इस गाने से इसकी क्या मूवमेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये सॉन्ग जब भी कोई गाता था, मेरे पापा गाते थे या मैं गाती थी, या गाना ये मैं सुन लेती थी या कहीं चलाते हुए सुन लेता था, मतलब कोई अगर ये सुन भी रहा है फ़ोन से भी, तो आराध्य लिटरली रोना शुरू कर देता था। और समझ ही नहीं आता था हम लोगों को कि इस सॉन्ग से इसके क्या मोमेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं, कि इतना छोटा बच्चा एक प्यार का नगमा है सुनते ही और सीधे तेज़ तेज़ रोने लगता था, तो हम लोगों को तुरंत स्टॉप करना पड़ता था। और अफसोस इस बात का है कि मैं उस टाइम ये चीज़ कैद नहीं कर पाई वीडियो में, वरना मैं इसकी वीडियोस बनाती थी, बट वीडियो बहुत हमेशा ये सीन रह गया तो मैं आप लोगों के साथ वरना आज दिखा पाती कि एक प्यार का नगमा में इसके क्या सीन्स होते थे गाइस। बाकी तो इसके आपने शॉर्ट्स वीडियो देखे ही होंगे। तो गाइस, हमने सामने वाली वॉल पर टीवी लगवा दी है, यहाँ थी पहले और अब यहाँ मैंने आराध्य का फ़ोटो और एक वॉच लगा दी है। और अभी काफ़ी कुछ चेंज करने के लिए बचा है, जैसे कि ये मिरर आप देख रहे हैं ना, ये मुझे इसकी जगह चेंज करनी है और मिरर भी दूसरा लेकर आना है। गाइस, अभी आपको पता है कि मैं काफ़ी कुछ चेंज करना चाह रही थी पर ऐसा हमारे साथ हुआ, तो उसकी वजह से मैंने अभी ब्रेक लगा दी है, थोड़ा सा आरती को आराम मिल जाने देते हैं और उसके बाद में मैं फिर प्लान करती हूँ कि मुझे क्या करना है, अपने घर को कैसे थोड़ा सा और मैं अपने रूम को डेकोरेट कर सकती हूँ और चीज़ें व्यवस्थित कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ काम चला रहे थे कि चलो ठीक है कोई नहीं, आएगा टाइम तब कर लेंगे, आएगा टाइम तब हम संभाल लेंगे, तो फिर बट हो नहीं पाया गाइस। तो बहुत दिन बाद आप लोगों से मैंने आज बात की है, क्योंकि आराध्य ही आपसे बात कर रहा था।
आज थोड़ा सा मन अच्छा था, बात करने का मन हुआ, थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा लाओ आज आपसे बात कर लूँ। और अभी मैं अपनी ननद के नेल्स कट करके आ रही हूँ, जो कि बहुत बड़े हो गए थे, इतने दिनों से वो बेड पर हैं और बाल भी काफ़ी उलझ जाते हैं, जल्दी कॉम्ब नहीं हो पाता है उनमें, तो फिर मैंने उनके हेयर भी कॉम्ब किए। तो मैं सारा ये काम करके नीचे के पोर्शन में मैंने उनको रखा हुआ है, लैंडलॉर्ड से ओपन करा लिया था वो पोर्शन भी उनका, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, तो फिर उसमें उनको मैंने इतना, बाकी सब लोग नीचे हैं तो मैं ऊपर आई थी। तो मैंने सोचा लाओ आज मैं क्यों ना ब्लॉगिंग कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तो ठीक है गाइस, इसी तरह से मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, थोड़ा 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 जो भी है उसे बताती रहूँगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है गाइस, बाय बाय। Bye bye, good boy, see you, Gaya.